स्टाइल है चिकन ही सुक्का बनाएंगे हम, है ना मम्मी? कौन सुक्का? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीविकास वर्ल्ड. इंचलर मातंदा, हाउ आर यू ऑल? हाय मम्मी, सब कुछ रेडी? ऑल सेट? कौन सुक्का बनाने के लिए? तो हमारा रेडी है मसाला सब. अभी हम लोग आपको विधि बताएंगे कैसा बनता है. इन चम्मच में पंडित तू कबले कढ़ाई में तेल डाला. हाँ, इसके बाद में मिर्ची डालेंगे. मिर्ची कितना? 10 बेड़की मिर्ची. ये बिना तिक्का वाला है? हाँ, बिना तिक्का वाला. नॉन स्पाइसी बेड़की मिर्ची डालिए 10 से 12. अदरक आधा किलो. 1 किलो चिकन के लिए 10 से 12 नॉन स्पाइसी ड्राई सूखा मिर्ची. इसको थोड़ा सा फ्राई कीजिए. ये गरम हो गया, फ्राई हो गया. फ्राई एंड मंदिर पर थोड़ा सा फ्राई होने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल दीजिए. 1 स्पून धनिया, 2 स्पून धनिया, 1 स्पून कोथिंबीर पाटले, 1 स्पून जीरे, जीरा 1 स्पून जीरा और 1 स्पून राई, 1 स्पून राई और ये काला मिर्च अदर 1 चम्मच काला मिर्च, ब्लैक पेपर थोड़ा सा कड़ी पत्ता और तेल में फ्राई कीजिए. तेल थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लीजिए. जलाने के लिए ये जलना नहीं चाहिए, गैस लो रखिए एकदम एकदम लो फ्लेम और अच्छे से भून लीजिए. हो गए, जल्दी भून जाता है. निकाल लीजिए इसी प्लेट में. उसे कांदा? हाँ, दो कांदा. अच्छा, दो कांदा लिया. उसका आधा फ्राई कर लीजिए. आधा काला आधा ऑनियन डालेंगे हम उसी बर्तन में जो बाकी मसाला अपने फ्राई किया था. डाल दीजिए इसको, थोड़ा अच्छे से भून लीजिए. कांदा को ऑनियन ये एंटेड फ्राई मत के ब्राउन आना बोटा. हाय, आड़े तिंदिर ना. व्हाट यू ईटिंग? हाँ, मैंगो ईटिंग. यू लव मैंगो? इंचूर कर ले. बीस को भी कंधे को भी निकाल देंगे हम इसी प्लेट पे साइड पे. फ्राई एंड इरुली नाना के पुगा साइड पे. कुंजी तार है, कुंजी तार है तेरे दी थी. एक नारियल, एक नारियल, एक अखा नारियल. 1 किलो के लिए एक नारियल तो चाहिए ना सुखा के लिए. वो कितना भी डाल सकते हैं अपने ऊपर ज़्यादा. अगर हाँ आपको नारियल ज़्यादा चाहिए तो नारियल ज़्यादा डालिए. किसको किसको कम चाहिए रहता है तो कम डालिए. राइट, नारियल को भी अच्छे से फ्राई कर लीजिए. थोड़ा सा हल्दी डालिए और भून लीजिए अच्छे से. अच्छे से अच्छे से फ्राई कर लीजिए. अभी जो ये नारियल फ्राई किया था उसको अलग सा प्लेट में निकाल दीजिए. ठंडा होने दो. 1 किलो चिकन अच्छे से वॉश करके क्लीन करके ले लीजिए. वॉश मल कर गया तो नहीं. 2 स्पून कोकोनट ऑयल या कोई सा कुकिंग ऑयल ले लीजिए. ओला कुकिंग ऑयल 1 स्पून पाटले. से हाय इंचल रहा तेल गरम हुआ. 2 कांदा में से 1 कांदा हम लोग ने मसाला के लिए फ्राई किया और 1 कांदा हम लोग ने अभी तवा इसमें चिकन को हम लोग थोड़ा सा तड़का लेंगे. इसमें बॉईल कर 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट. मुट्ठी भर
करी पत्ता डाल दीजिए, कुंजी टमाटर पाट ले, बकतूर रेड सॉस पाट ले, आई रोटी क्या डाल दी, अभी चिकन वॉश करके ग्रीन करके रखा था वो डाल, थोड़ा हल्दी पाउडर डाल दीजिए, चिकन मोरी पारी बका पूरा मंजल पूरी पाट ले, नमक स्वाद अनुसार उप पाट ले, आधा स्पून गरम मसाला, आधा स्पून गरम मसाला, थोड़ा सा पानी डालिए बॉईल होने के लिए, अभी दिले अभी ढक लीजिए, ढक के उसको पकने दीजिए, तब तक हम लोग ये मसाला जो है ग्राइंड करते हैं, मसाला को ग्राइंड करेगा दी, ये सब फ्राई के लिए, फ्राई के लिए मसाला डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर में, पूरा मतलब फ्राई मल देना मसाला पूरा पाट ले, नारियल के बिना बाकी सब फ्राई किया मसाला डालिए, हाँ थोड़ा सा पानी डालने का, ज़्यादा नहीं, ग्राइंड करते हैं किसने का उसके बारे, उसके बाद और उसके बाद में, उसके बाद में ये नारियल है, नारियल उसमें मिक्स कर डालते हैं, एक बार जो आपने अपने पहले मसाला पीस लिया अभी नारियल डाल के और एक ही बार एक राउंड, अच्छा ये देखिए ऐसे ज़्यादा उसको पीसना नहीं है, हम लोग को नारियल रखा ही चाहिए ना, मतलब ऐसा दरदरा ही चाहिए, करने के बाद ठीक है बीच में कट करते रहिए, पिसा हुआ मसाला डालेंगे इसी चिकन, अभी हम लोग मसाला डालेंगे जो ग्राइंड किया हमने नारियल का, मिक्स कर लीजिए अच्छे से, जो लास्ट में थोड़ा मसाला बचता है ग्राइंड करके पानी डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए, नहीं भी डाले तो चलेगा ना, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अगर आपको नमक कम लगे तो नमक डाल दीजिए, अच्छे से स्टार करते रहिए, एंड मिनट एंड मोर तो ग्रीन करते, रेडी है थोड़ी सुक्का क्या सुक्का बन गया, वाह मम्मी एकदम सुपर लग रहा है, एकदम कोरी सुक्का, बोले फ्रेंड्स कोरी सुक्का रेडी, देखिए फ्रेंड्स चिकन सुक्का रेडी है हमारा, मैंगलोरियन चिकन सुक्का, कल के बहुत सारे लोग बोल रहे थे आंटी कोरी सुक्का कैसा बनाते हैं, मतलब चिकन सुक्का कैसा बनाते हैं बताइए, देखिए फाइनली रेडी है, देखिएगा ज़रूर ब्लॉग बताइए हमें कैसा बनाया करके, है ना मम्मी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आते हो पहले बार देखते हो हमारा ब्लॉग्स तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और लाइक और शेयर तो ज़रूर करना, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कैसा है, कि आप लोग का एक सब्सक्राइब हमें बहुत सपोर्ट मिलता है ना मम्मी, तो जो सब्सक्राइब होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और हमें अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो और ये चिकन सुक्का पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मम्मी सब्सक्राइब कीजिएगा, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।